साक्षी चली महिला सम्मान समारोह आज होता है। ज्यादा तालियां बजा पहले ऐसा नहीं है। स्रोत भोपाल शहर की पूर्व महापौर श्री डॉक्टर पुष्पा कन्नौजिया जी से कृपया है। सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं का वाणी सर से आप पार्षद हैं, जोन अध्यक्ष हैं, आप सबका मैं हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंडल के महामंत्री श्री नरेश आसुदानी जी का हार्दिक अभिनंदन वंदन। मंडल के उपाध्यक्ष श्रीमती भारती गांधी, श्रीमती पुष्पा सिंह, श्रीमती सविता मंडोई, श्रीमती स्वाति चौहरे करेंगे, आप सबका यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। हमारे बीच में मेरे छोटे भाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री भाई, हम सबके बीच में वरिष्ठ समाज सेवी भाई ज्ञानदेव मिश्रा जी उपस्थित हैं, आपका हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर सिंह हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपका हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। श्री किशन चौधरी का जिनका मैं नाम नहीं जानता या मैं लेना भूल गया हूँ, आप सबका हार्दिक वार्ड पार्षद की 63 भावी श्रीमती दया के। इस प्रोग्राम के आयोजक एवं साक्षी हॉस्पिटल के संचालक, मैं महिला दिवस के अवसर पर समस्त मातृशक्तियों को बहुत बधाई शुभकामना देते हुए यही आह्वान करना चाहती हूं कि महिलाएं अपने आप को किसी भी क्षेत्र में कम ना समझें। आज अवसर ऐसा है कि पुरुषों के एकाधिकार वाले क्षेत्र में भी महिलाओं ने एंट्री की है, महिलाएं बहुत बेहतर काम करके दिखा रही, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसे महिलाएं नहीं कर सकती, बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए सही दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए समाज की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें। इस समय परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल है, समाज भी अब बदला है और समाज की सोच परिवर्तित हुई है कि जब तक समाज के विकास के मुख्य धारा में महिलाओं को शामिल नहीं किया जाएगा तब तक समाज तेज गति से प्रगति नहीं कर पाएगा। इसलिए महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए जाने होंगे और इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी आज देश की जनता से यही आह्वान किया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम महिला सशक्तिकरण की बात ना करें बल्कि ईश्वर ने जो अपार शक्ति महिलाओं को दी है उस शक्ति का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में करें और इसलिए महिलाओं के नेतृत्व में राष्ट्र का विकास हो, इस बात पर हमें ध्यान देना होगा। ये निश्चित रूप से हम महिलाओं को, आधी आबादी को इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बहुत बड़ा तोहफा है और इस देश की आधी आबादी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करती है। देखो संघर्ष तो हमेशा से चलता आया है और चलता रहेगा। संघर्ष किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में जब तक हम नहीं करेंगे जब तक सफलता नहीं मिलती है और इसीलिए संघर्ष नहीं करना और अन्याय को सहना ये नहीं होना चाहिए, बल्कि यदि संघर्ष करने के लिए महिलाएं आगे आई हैं तो निश्चित रूप से हम ये मान सकते हैं कि महिलाएं जागरूक हुई हैं अपने अधिकारों के प्रति और जब जागरूक हुई है तो उन्हें लगा है कि हमें ये अधिकार मिलने चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए और उसकी परिणति इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से देखने को मिलती है। पिछले 5 वर्षों से शांति सरोवर स्कूल की गरीब छात्र छात्राओं को किताबें देने में दृढ़ता से काम कर रही हैं और हर निशुल्क स्वास्थ्य शिविरों में अपना बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका कि ये प्रेरणा मुझे कहाँ से मिली। वैसे तो जब मैं डॉक्टर बनी तब से ही मैं सेवा करना चाहती थी, परंतु अपनी पीजी करने के बाद जब मैं सेवा भारती से जुड़ी हूँ तब मुझे ये स्वास्थ्य शिविरों में जा करके और ये मुझे अनुभव हुआ कि ये जो फैसिलिटी है, ये जो सेवा है, ये मैं जहाँ खुद काम करती हूँ वह मैं वहीं क्यों ना करूँ। क्योंकि सेवा भारती में हम लोग कैंप लगाते हैं, स्लम एरियाज़ में जाते हैं, तो वहाँ बार बार जा पाना बहुत मुश्किल होता है और वो जो महिलाएं हैं जो जिनको ज़रूरत है वो हम उनको दोबारा नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि जहाँ पे भी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ या अपनी सेवाएं दे रही हूँ मैं वहीं पे क्यों ना इसका शुभारंभ करूँ और कम से कम एक दिन हफ्ते में मैं निःशुल्क गर्भवती महिलाओं का जो है वो स्वास्थ्य परीक्षण करूँ।
और जैसे कि प्रधानमंत्री जी की योजना है कि सुरक्षित मातृत्व योजना है, जिसमें सभी प्राइवेट डॉक्टर्स महीने में एक बार जो है निःशुल्क परीक्षण करते हैं, तो मैंने इसी से प्रेरणा लेकर के अपने अस्पताल में महीने में 4 बार ये सेवाएं देने। ऐसे तो हमारे अस्पताल में काफ़ी महिलाएं आ जाती हैं, लगभग 200 से 250 महिलाएं हर महीने आती हैं, परंतु फिर भी मैं चाहती हूं कि इस एरिया में जितनी भी महिलाएं हैं जिनको हमारी सेवाओं की ज़रूरत है, वो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो है वो यहां आएं और हमारी सेवाओं का लाभ। अभी तक तो हमने ऐसा शुरू नहीं किया, लेकिन हमारी ये योजना ज़रूर है कि हम ये जो सेवाएँ हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जा कर के भी दें, और इसके लिए हम अपनी एम्बुलेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे कि जिन्हें ज़रूरत होगी वो सीधे हमारी एम्बुलेंस से जो है जहाँ पे भी उनको जाना हो या यहाँ आना हो, तो ये सर्विसेज भी हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे।